पत्रकार विक्रम जोशी काफी तेज तरह पत्रकार थे और कुछ नया करने का जज्बा उनके भीतर था। पत्रकारिता क्षेत्र में वो ये सोचकर आए थे कि लोगों की दर्द की आवाज आम जनता तक पहुंचाएंगे उन्हें क्या दिक्कत होगी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि वो सिस्टम के सामने वो खुद ही लाचार हो जाएंगे। यहाँ अब वो हमारे बीच नहीं है पत्रकार विक्रम जोशी, उनकी सिर्फ यादें हमारे साथ हैं, उनके परिवार के सदस्य हमारे साथ हैं, उनकी बहन है, उनसे हम बात करते हैं। और क्या नाम है जिन लड़कों ने करा उनके लिए करी सी बड़े सदन चाहिए और फिलहाल के लिए हम डीएम से रिमांड है कि हमारे डीएम से आप जाकर मेरे पास। अच्छा, आपने जो कंप्लेंट पाई जी, जो लड़के छेड़खानी कर रहे थे की वजह से अगर उन्होंने एक्शन नहीं लिया होता तो शायद ये दिन नहीं आता। उन्होंने एक्शन नहीं लिया इसीलिए ये काम हुआ है, तो ये पुलिस वालों का ही काम है। तो हम अभी फिलहाल हमारी डिमांड यह है कि डीएम जी यहाँ पे आए, हम उनसे बात करना चाहते हैं। ये कौन से लड़के थे या पहले से परेशान कर रहे हैं? क्या है कि मेरी बहन है छोटी, वो बैठी हुई है, उनकी लड़कियाँ हैं, उनके चक्कर में उन्हें छेड़ने आते थे। उसने विक्रम जोशी पहले से ही छेड़ दिया, पहले छेड़ा था 2019 में होली के दिन पे, ठीक है, जब तो उन्होंने सलूटन करके जेल में भेज दिया था उनको। वो जब से छूट के आए हैं जब से ये परेशान कर रहे हैं। अभी हफ्ता भर पहले इन्होंने एप्लीकेशन दी थी दोनों थाने में भी और वहाँ पे भी इन्होंने दिया था, पर उन्होंने किसी ने भी एक्शन नहीं लिया। परसों रात ये फिर आए हैं और रात को ही इन्होंने दो बार आके कांड कर दिया। फोन भी करा पुलिस वालों उसमें इंचार्ज को, उन्होंने कहा जी हमारी तबीयत खराब है, हम सुबह बात करेंगे, तो सुबह नहीं आया, काम हो गया। अब हमारा भाई तो गया, वो सस्पेंड हो गए हैं, तब भी कुछ फर्क नहीं पड़ता हमें, तो उससे क्या होगा, हमारा कुछ हो जाएगा, बताइए आप। तो ये है जी, अब डीएम जी आएंगे तभी पोस्टमार्टम कराऊंगी, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगी। विक्रम की बहन है, साफ तौर पे कह रही हैं कि सूचना देने के बाद भी पुलिस मौके पर नहीं आती है। अब आप देखिए गाजियाबाद के ये यशोदा अस्पताल के बाहर की तस्वीर देख रहे हैं, वारदात होने के बाद तमाम पुलिस अधिकारी आला अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, मुआयना कर रहे हैं। लेकिन आपको हम बता दें कि जब प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जब सीएम बने तो उन्होंने ये कहा कि अपराधी या तो अपराध छोड़ दे या फिर प्रदेश से भाग जाए। लेकिन आपको बता दें कि ये पहला मामला विक्रम जोशी का नहीं है, इससे पहले भी कई पत्रकारों पर हमला हुआ, जानलेवा हमला हुआ, कई पत्रकारों की हत्या की गई, वारदात हो जाती है। लेकिन ऐसे क्या वजह है कि वारदात होने के बाद ही सिस्टम जागता है, वारदात होने के बाद ही जाँच होती है, भले ही आरोपी पकड़े गए हैं लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर जमानत पर बाहर आएंगे, इससे क्या अपराध पर कंट्रोल होगा? गाजियाबाद से कैमरा पर्सन रफीक के साथ पवन मिश्रा, न्यूज 24।